तो दोस्तों अब एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दुनिया की नंबर वन जीडीपी कंट्री यूएस से। 2024 के यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्राइमरी इलेक्शन हुआ जिसको आईओडब्ल्यू इलेक्शन बोला जाता है। इस इलेक्शन में 40 डेलीगेशन मेंबर आए और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से चुना कि किस बंदे को हमें खड़ा करना चाहिए राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए। और उस इलेक्शन का आज एक रिजल्ट आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। उन्होंने 20 डेलीगेट्स के वोट हासिल किए हैं और इसी के साथ विवेक रामास्वामी जो सबके फेवरेट थे वो सबसे पीछे रह गए हैं 4 नंबर पे। विवेक रामास्वामी ने अपने हार को मानते हुए कहा कि मैं यूएस प्रेसिडेंशियल रेस से अब बाहर हो चुका हूँ और मेरे लिए अब प्रेसिडेंट का रास्ता नहीं है। इसके साथ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो हम उनके साथ हैं। इसके रिप्लाई में डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सेम है कि विवेक रामास्वामी ने बहुत अच्छा काम किया है और हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। अब दोस्तों आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसे दो लीडर एक दूसरे के नाम पर एक माहौल बना रहे हैं और अब फाइनली देखना पड़ेगा कि इस बार का यूएस प्रेसिडेंट का खिताब कौन अपने नाम कर पाता है। फिलहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।